हाय फ्रेंड्स, इट्स समीर हियर और समझ रिवर रूम में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर एंड व्यूअर ऑफ दिस चैनल। कल ही दोस्तों हमने 50,000 सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस कर लिया है एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज हम करने वाले लिनोवो के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का रिव्यू। ये पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुए इंडिया में। इनका मॉडल नेम है HT10 और इन ईयरबड्स में दोस्तों आपको फुल ट्रैक कंट्रोल मिलता है, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स वॉल्यूम कंट्रोल। इनमें आपको 30 घंटे प्लस की बैटरी बैकअप मिलती है यूजिंग द कैरिंग केस। साथ ही में आपको ब्लूटूथ 5.0 वर्जन मिलता है इसमें। IPX5 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है और भी काफी सारे फीचर है जिन्हें हम इन डेप्थ देखने वाले हैं। इन्हें आप परचेस कर सकते हो flipkart.com से 4,000 रुपए में, और आने वाले सेल में आप इसे परचेस करते हो तो आपको और भी डिस्काउंट मिल सकते हैं। इनके परचेस लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन चेक देम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। सो दोस्तों, इस तरीके की पैकेजिंग आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ नीचे लिनोवो की ब्रांडिंग है और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिया गया है HT10। और यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे इसमें आपको एक्स्ट्रा बेस मिलता है। इसमें कॉलकॉम का 3020 चिपसेट लगा है जिससे APTX HD ऑडियो सपोर्ट होता है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 वर्जन है। ये गूगल वॉइस असिस्टेंट और सीरी को भी सपोर्ट करता है। एंड फाइनली अप टू 8 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलती है। ये जो वर्जन है ये ब्लैक कलर का है और पीछे आप देखोगे तो आपको और भी इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं। तो चलिए हम अभी इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। एंड हियर इट इज गाइस। सबसे पहले आप देख सकते हो ये चार्जिंग केस मिलता है। दिस इज द चार्जिंग कम ट्रैवल केस और यहाँ पर लेने कोई ब्रांडिंग है। काफी कॉम्पैक्ट लग रहा है ये। एंड हियर आर द ईयरबड्स, काफ़ी लाइट वेट लग रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लेट्स कीप दिम असाइड और देखते हैं पैकेज में क्या मिलता है। सो ये है एसेसरी बॉक्स, आई गेस इसमें चार्जिंग केबल होगी। एंड यस, दिस इज़ माइक्रो USB चार्जिंग केबल। इसके अलावा आपको पैकेज में बुकलेट्स मिलते हैं जिसमें एक यूज़र मैनुअल है एंड एक वारंटी कार्ड है। एंड दैट्स इट फ्रॉम द पैकेज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो सबसे पहले ये चार्जिंग केस आपको मिलता है, दिस इज़ चार्जिंग कम ट्रैवल केस। ये जो कंप्लीट केस है वो प्लास्टिक से बनाया, दिस इज वेरी हाई क्वालिटी प्लास्टिक। और इसके ऊपर आपको सॉफ्ट रबरी फिनिश मिलती है। यहाँ पर आपको लिनोवो की ब्रांडिंग मिलती है। फ्रंट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये LEDs मिलती है विच विल शो द चार्जिंग स्टेटस ऑफ दिस केस इटसेल्फ। बॉटम सर्फेस आप देखोगे तो इट इज कम्प्लीटली फ्लैट, और जैसे मैंने आपको बताया ये रबरी टेक्सचर में आता है, सो इट विल प्रोवाइड यू सम ग्रिप ऑन द फ्लैट सर्फेसिस। इसके अपोजिट साइड में आपको ये माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। ये केस काफ़ी हल्का है गाइज, इवन विद द ईयरबड्स इन इट आप देख सकते हो। ये सिर्फ 57 ग्राम्स का है और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है। इसे ओपन करते गाइज आप देख सकते हो दिस आर द ईयरबड्स। यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट की लेबलिंग मिलती है, और जैसे आप ईयरबड्स को इसमें से निकालते हो यहाँ पर आप 3 चार्जिंग पॉइंट्स देख सकते हो ऑन ईच साइड। ईयरबड्स की बात करें गाइज तो ये भी आपको कम्प्लीट प्लास्टिक डिज़ाइन में मिलते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनके भी। फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको ये CD पैटर्न मिलता है जिसके सराउंडिंग आपको LED स्ट्रिप मिलती है जिसमें से आपको ब्लू और वाइट LED देखने को मिल सकती है कुछ इस तरीके से। ये जो पोर्शन है ये टच कंट्रोल नहीं है, दिस इज द बटन एनेबल्ड, सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। आपको रिस्पॉन्स इसमें से काफ़ी अच्छा मिलेगा। ईयरबड्स पर आपको एक माइक्रोफोन मिलता है, उसके बाद आपको ईयरबड्स पर ही लेबलिंग देखने को मिलेगी लेफ्ट और राइट की। एंड फाइनली आपको यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं। ईयरबड्स की वेट की बात करें गाइस तो ये सिर्फ 5 ग्राम के हैं, सो दे आर वेरी लाइट वेट और आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट इसमें से मिल सकता है। सो गाइस, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इन ईयरबड्स और केस की काफ़ी बढ़िया है, इट इज़ वेरी एप्ट फॉर द प्राइस गिवन। इन ईयरबड्स को यूज़ करना गाइस काफ़ी सिंपल है। तो दोस्तों, जैसे इन ईयरबड्स को आप केस में से निकालते हो फर्स्ट दे विल पेयर विद ईच अदर, आपको मैनुअल पेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बार आप इन ईयरबड्स को पेयर कर लेते हो अपने फ़ोन से तो आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हो जैसे ही ईयरबड्स केस से बाहर निकलते हैं विद इन 1 to 2 सेकेंड्स ये ऑटोमेटिकली अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाते हैं। दीज आर द फास्टेस्ट कनेक्टिंग ईयरबड्स दैट आई हैव एवर यूज्ड। और आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, APTX सपोर्टेड है यहाँ पर ही बता रहा है। साथ ही में दोस्तों, अगर आप इन दोनों में से सिर्फ किसी एक ईयरबड को यूज़ करना चाहते हो तो जिसे नहीं यूज़ करना है उसे बस आपको केस में रिटर्न डाल देना है एंड यू कैन यूज़ द अदर वन। या फिर आप इसे निकालते वक्त ही अगर किसी एक ईयरबड को यूज़ करना है आपको तो बस उसी ईयरबड को आप बाहर निकालिए एंड इट विल कनेक्ट टू द स्मार्टफोन। इसमें आपको गाइस ब्लूटूथ 5.0 वर्जन मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आपको देता है। इसकी रेंज भी काफ़ी बढ़िया है,
30 to 35 feet तक ये स्टैंडर्ड रेंज आपको देता ही है. बियॉन्ड दैट ऑल्सो इट गिव्स क्वाइट अ गुड रेंज. कोई भी लेटेंसी मुझे इसमें नोटिस नहीं हुई वाइल वॉचिंग एनी ऑफ द वीडियोज और म्यूजिक प्लेबैक. यहाँ तक कि स्ट्रीमिंग ऐप जैसे कि YouTube म्यूजिक, YouTube, इसमें भी कोई भी लेटेंसी मुझे नोटिस नहीं हुई. उसके बाद बात करें गाइज इनके कंट्रोल्स की, तो आपको कंप्लीट कंट्रोल इन ईयरबड्स में मिल जाता है. सबसे पहले गाइज किसी भी एक ईयरबड का बटन एक बार प्रेस करने से ये सॉन्ग या ट्रैक जो भी है प्ले या पॉज करता है. इट वर्क्स ऑन बोथ द ईयरबड्स. दो बार अगर आप राइट ईयरबड का बटन प्रेस करते हो तो इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है और लेफ्ट पे करने से ये वॉल्यूम डिक्रीज होता है. दीज आर द वेरी फर्स्ट ईयरबड्स जो मैंने यूज़ किए हैं जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है. सो इट इज़ वेरी यूनिक फीचर एंड वेरी हैंडी एज वेल. अगर तीन बार आप किसी भी ईयरबड पर प्रेस करते हो बटन तो ये वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करता है एंड इट वर्क्स वेरी फ्लॉलेसली. अगर आप राइट ईयरबड पर प्रेस करके होल्ड करके रखते हो फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स तो ये नेक्स्ट ट्रैक प्ले करता है. सिमिलरली लेफ्ट साइड पे करने से ये प्रीवियस ट्रैक पे लाता है. सिमिलरली अप्लाइज फॉर द कॉल ऑल्सो. अब इससे कॉल एक्सेप्ट या रिजेक्ट सिमिलर वे से कर सकते हो. सो गाइस आपको कंप्लीट कंट्रोल पैनल और कंप्लीट कंट्रोल मिलता है स्मार्टफोन के प्लेबैक का वाया दिस ईयरबड्स. कंफर्ट की बात करें गाइस तो दिस आर वेरी कंफर्टेबल ईयरफोन्स. पहले मुझे लगा था इनकी साइज देखकर इट वोंट फिट माय ईयर कनाल, बट मेरे जो ईयर कनाल है दिस आर ऑफ मीडियम साइज और आप देख सकते हो ये प्रॉपरली फिट होते हैं. इन ईयरबड्स को मैंने गाइस स्ट्रेट गो में 3 घंटे तक पहना था एंड उस सेशन के दौरान गाइस मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ. देर वॉज नो इरिटेशन एट ऑल. और इस वीडियो में देख सकते हो गाइस ये आपके ईयर कनाल में काफी फर्मली अटैच रहते हैं. सो आप इन्हें जिम, आउटडोर या रनिंग एक्टिविटीज के लिए पहन सकते हो. सो यू आर गुड टू गो फॉर सच आउटडोर सेशंस. अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके साउंड क्वालिटी की बात करें गाइज, तो जैसे कि इसके स्पेसिफिकेशन या फीचर में दिया है एक्स्ट्रा आपको बेस मिलता है. इंडीड गाइज आपको काफ़ी बढ़िया बेस मिलता है इसमें से. मैंने अभी तक काफ़ी सारे ट्रू वायरलेस ईयरबड यूज़ किए हैं, अपने चैनल पर रिव्यू भी किए हैं. उन सभी में सबसे ज़्यादा बेस मुझे इन ईयरबड्स में से मिल रहा है. इसके वोकल्स काफ़ी स्मूथ है, मिड्स एंड लोज भी काफ़ी डिसेंट है. जैसे मैंने बताया गाइज ये हाई वॉल्यूम पे भी डिस्टॉर्ट नहीं होता. सो गाइज इसका जो साउंड प्रोफाइल है वो आपको काफ़ी पंची मिलता है. कॉल क्वालिटी की बात करें गाइज तो इसमें आपको CVC 8.0 की टेक्नोलॉजी मिलती है. सो गाइज इसमें से जो कॉलिंग क्वालिटी आपको मिलेगी दैट इज़ एक्सेप्शनली गुड. काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको इनडोर्स तो मिलती है एज वेल एज आउटडोर भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी. फाइनली गाइज इसमें बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको इस केस को चार्ज करना है यूजिंग द माइक्रो USB केबल और आप इसे पावर बैंक या पावर आउटलेट से इजीली चार्ज कर सकते हो. इसे तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं टू कम्प्लीटली चार्ज एंड वंस इट इज चार्ज आप ईयरबड्स को इसमें से भी चार्ज कर सकते हो. ईयरबड जो है स्टैंड अलोन आपको 8 घंटे से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप ईजिली देगा ऑन मीडियम टू हाई वॉल्यूम. और इस केस की मदद से गाइस आप कम से कम 3 बार इन ईयरबड्स को कम्प्लीटली चार्ज कर सकते हो. सो इन अ गो आपको गाइस 30 घंटे के ऊपर का बैटरी बैकअप इन केस की मदद से मिलेगा वाया दिस ईयरबड्स विच इज द मोस्ट आई एम गेटिंग ऑफ एनी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स. सो गाइस इसकी बैटरी बैकअप भी आपको काफी बढ़िया मिल रही है. इट इज मोर देन द एवरेज ऑफ एनी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स. सो टू कंक्लूड आई कैन से गाइस कि ये सबसे बेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है जो मैंने अभी तक यूज किए हैं 4,000 रुपीज के प्राइस टैग के अंदर. इनमें आपको फुल ट्रैक कंट्रोल मिलता है, साथ ही में वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है जो अभी तक मैंने किसी भी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स में देखे नहीं है विच आई ओन. साथ ही में गाइस इनकी साउंड क्वालिटी और ट्रैक्स एंड कॉल भी काफ़ी बढ़िया मिलती है एंड ये IPX वाटर रेजिस्टेंट भी है. सो नथिंग टू वरी अबाउट. सो गाइस अगर आप एक ट्रू वायरलेस ईयरबड लेना चाहते हो और 4,000 के आसपास आपका बजट है देन यू कैन सर्टनली गो फॉर दिस ईयरबड्स. यू वॉन्ट रिग्रेट द डिसीजन. सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ यस देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट हो. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें. नीचे रेड बटन को क्लिक कीजिए टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अपलोड किए गए सारे न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स अब तक पहुँच सके. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.